चुप हो जा। क्या हुआ बेटा? पिताजी इसने सुसु कर दिया। बार बार धोने से बुखार हो सकता है। पर इसके सुसु से बहुत बदबू आती है। पेशाब से बदबू नहीं तो खुशबू आएगी। हाँ, इंसान ही गंदा होता है ना बेटा। पिताजी पुलिस। क्या तूने? मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं, मेरा मेरे पास आ जा, चल तेरे बजे में चलता हूँ। अच्छा सुनिए जी, हम भी पुलिस स्टेशन चलते, नहीं तो पता नहीं बच्चे की क्या हालत कर देंगे। चलिए। मुन्ना कहाँ गया? क्या हुआ? यही तो था। कौन ले गया? यही सुला रहा था मैं उसे। मुन्ना कहाँ गया? कहाँ जा सकते हैं? कहाँ ले जा सकते हैं उसे? कहाँ गया? ये बच्चा कब अपने माँ बाप से मिलता है? दरअसल ये यही कहानी है। शाम होते ही पूरा पैसा हाथ में लाकर दे देना। अगर किसी ने एक भी पैसा खाया या छुपाया तो उसकी आंखें निकालकर हमेशा के लिए सिग्नल पर बिठा दूंगा। तू चोर बाजार जा, गेटवे ऑफ इंडिया जा, तू जा बस स्टैंड पर। और तू सुन, इस छोकरे को लेकर महालक्ष्मी मंदिर चले जा। ठीक है, पर इसके दूध का पैसा? भीख मांग कर दूध पिला इसे। वैसे भी ये जितना रोएगा उतनी ज्यादा भीख मिलेगी। तू तो बस इसे जितना हो सके रुलाते जाना। और वैसे भी मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा कलेक्शन तेरा होगा। चल फुट ले अभी से। चल ऊपर वाले के नाम पे दे दो, ऊपर वाले के नाम पे दे दो, कुछ तो दे दे माँ। ये लो। ये हुई ना बात, मुझे पता था सबसे ज्यादा कलेक्टर तेरा होगा। आजा मेरे यार, आजा। आज से इसका नाम है छोटू। देखा तुम सब लोगों ने, ऐसी कमाई होनी चाहिए। ये ले, ले जाकर सुला दे अंदर इसे। जा चल चल डाल डाल। छोटू खत्म हो गया। छोटू। हाँ। ए छोटू आया। सुनता नहीं है, बहरा हो गया क्या? जा मेरे लिए बीड़ी लेकर आ। पैसा? सुनता नहीं है, जा जल्दी लेकर आ। साहब साहब, मेरा बाप बीमार है, पैसे दे दो ना। ए चल आगे जा। साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ का इलाज कराना चाहता हूँ। मेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरे को क्या पता कहाँ है? मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है। यहाँ पर जितने भी हैं किसी के माँ बाप का ठिकाना नहीं है। मुझे पता है, आपको मालूम है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बता दो ना। बजाऊंगा कान के नीचे साला। चल निकल जा, चल भाग जा यहाँ से। बाप मामू लोग मेरे पीछे, बताना नहीं। अरे छोटू क्या किया रे तूने, मेरे को साला पकड़ा दिया रे। अरे तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा रे, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा साला, मेरे को पकड़ा है तूने। शाबाश बेटा,
गुड, ये रख लो। ये एक रुपया इसकी जिंदगी में इनकलाब ले आया। आज से इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मुजरिमों को पकड़वाना और उनका कमीशन लेना। आज से छोटू का इस काम के लिए दौड़ना शुरू हुआ। ये कौन होता है अरेस्ट करने वाला? ये तो पुलिस है ही नहीं। ए, कौन है तू? कानून की हिफाजत के लिए चार शेर काम करते हैं, लेकिन खाके के ऊपर तीन ही दिखाई देते। जो नहीं दिखाई देता वो चौथा शेर। तुम जैसे भेड़ियों को मारने के लिए आपून है, और इस शेर को ना ही घोड़े की जरूरत है ना ही पगार पाने की, इसलिए तेज है और बाकी शेरों से ये थोड़ा जंगली है। भेड़िये शेर के सामने बोतल निकालता है, बोतल को क्या मालूम कि वो बोतल है या चाकू। अपन इसको पकड़ने के लिए आए, तेरे को टेंशन काय को हो रहा है? पटके पड़े ना। तुम्हारा दोस्ती पसंद है आपको, लेकिन अफसोस कल तुम बिरयानी लेकर इसके पास जाएगा तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमांड के बाद ये सीधा जेल। इंस्पेक्टर गोड बोले जो भी बोलता है सच बोलता है। आज हमने शार्प शूटर बाबू लुंगी को पकड़ा है और उसके पास से 5,00,000 रुपए कैश मिले हैं, इतने सारे जेवरात मिले हैं, 4 चाकू और भी हथियार, 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और इतने बुलेट। अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, फोटो निकाल। ये छोटू अभी तू निकल ले। अभी निकल ले? ये क्या है सर, प्रेस में तो हीरो बनते हो, पैसा देते टाइम विलन। अबे तू रोज रोज एक एक मुजरिम को पकड़ करके कमिश्नर से ज्यादा पैसे कमा रहा है ना। और पहले का पैसा? पहले का ही है। तो अभी का? वो बाद में मिलेगा तेरे को। असल में तेरी सैलरी में से आधा मेरे को मिलना चाहिए। मेरी सैलरी पे तेरी नजर क्यों है? फिर क्या करूं, मुजरिमों को अपन पकड़ेगा और प्रमोशन तुम्हारा होगा। कमिश्नर साहब तेरे को बुला रहे हैं। ये लिस्ट देखो। संपत वो नहीं, नेक्स्ट। यूनुस टेडा ये तो पॉकेट मार है रे, नेक्स्ट। मनोज हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको पकड़ना जरूरी है। इम्पोर्टेंट तो आप बोल रहे हैं साहब, लेकिन घोड़बोले साहब तो अपन को पॉकेट मार पकड़ने का ही कमीशन देते हैं। तो क्या तुझे देने के लिए सीएम का फंड है क्या? पुलिस फंड से बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है सर, ऐसा कोई मुजरिम बताओ जिससे अपन का लाइफ सेट हो जाए। कौन है ये? कौन हो सकता है, सब अपन का दुश्मन है। सुनो ए छोटू, तेरी वजह से 2 साल जेल काटा, आज तक कोई पुलिस का कुत्ता पकड़ नहीं सका। याद रखना, मैं तेरे को टपका के जेल नहीं गया तो मेरा नाम भी रमेश काड़ा नहीं। देखा सर अपन का जान कितना खतरे में, कोई सिक्योरिटी नहीं, ये हथकड़ी नहीं चाहिए, अपन को एक रिवॉल्वर दो। ये नहीं हो सकता। और कहीं से लगे इस्तेमाल करूं? करो, क्रिमिनल से पहले तुझे अंदर डाल दूंगा। क्या सर, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मर जाओ, तेरे आगे पीछे रोने वाला तो कोई नहीं है, तू तो अकेला है। This 2-3, hold the 3rd string with a... Ah, ah, ah. मेरा गिटार, कौन है वो? जाने दो ना दीदी, उसके ऊपर क्यों गुस्सा हो रही हो? वैसे भी ये गिटार भंगार हो चुका है, नया ले लो ना। पैसा किधर है? तुम सब लोग सीखने के लिए टाइम पे आ जाते हो लेकिन फीस कोई नहीं देता। टीचर जी इसमें क्या है, हमारी कोई गलती ना है, हमारे मम्मी डैडी स्कूल की पढ़ाई के लिए लाखों खर्चे कर देते हैं, लेकिन गिटार क्लास के लिए हमारे माँ बाप को इंटरेस्ट नहीं है तो उनके पास पैसा भी नहीं है, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देते हैं। तो तुम्हारी दीदी को कौन देखेगा? इस बार तो अपने भाई को खरीदने के लिए बोलो ना दीदी।
इस बार तो क्या वो कभी नहीं खरीदेगा। एक महीने से घर नहीं आया, वो तो सिर्फ घर भी आए तो बस है। क्या बात है, कब आ रहे हो घर? इस समय बॉस यहीं पर है, बाद में फोन करता हूँ। ब्रह्मा जी, अ पर्सन शुड बी टू ऑनेस्ट, ना तो खुद के साथ इतने ऑनेस्ट हो और ना ही मेरे साथ। यू नो व्हाई? ऑलवेज स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट एंड ऑलवेज ऑनेस्ट पीपल आर स्क्रूड फर्स्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ कैलाशी, जरा एक मिनिस्टर को टपकाना है। कौन सा मिनिस्टर? अरे मुझे नहीं मालूम। कहाँ काम बजाना है? पब्लिक में, गणेश उत्सव में। किस किस को लेके जाएगा? चंदू, सॉरी। ए ब्रह्मा जी, इन दोनों के अलावा सबको निकालो यहाँ से। ए, आओ चलो कल्टी हो जाए सब लोग। हाँ, तू नहीं निकलेगा? वो सर पे बैठेगा। चल। हाँ भाई। मिनिस्टर पहुंचा क्या? हाँ हाँ। चंदू को अपने आगे से रखना और सूरी को अपने पीछे से। ओके भाई। सिक्योरिटी वैन है क्या? हाँ हाँ है ना भाई। सिक्योरिटी वैन पीछे होगी और मिनिस्टर की गाड़ी आगे। मिनिस्टर की गाड़ी देखते फायर कर देना। भाई इधर पब्लिक बहुत है, काम बजाने में टेंशन हो सकता है। टेंशन के बारे मत सोचो, सिर्फ रैंडम फायरिंग करते हुए निकल जाओ। अरे हट जाओ भैया, आ रहे पीछे, हटो हटो पीछे हटो। आइए आइए आइए, ये जा रहे हैं। गांधीनगर के गणेश उत्सव में मंत्री राजेंद्र पांडे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे सूत्रों से पता चला है कि मौका वारदात पर कैलाश नाम का एक खतरनाक गुंडा पकड़ा गया, जो कि पहले से ही हत्या और लूटमार के मामलों में इन्वॉल्व था, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। इसके विरोध में कार्यकर्ता आंदोलन के लिए रास्ते पर उतर आए। माय डे इज सो नाइस। पार्टी ने इसके निषेध में राष्ट्र बंद करने का। ब्रह्मा जी, किसी बढ़िया सी लड़की से मिले काफी दिन हो गए ना। मुझे तो टेंशन में याद नहीं रहता, आपको तो याद रखना चाहिए ना। अबे तेरा भेलपुरी अच्छा है या पानीपुरी अच्छा है? दोनों। हाँ, अच्छा। बोलो। दोनों छोड़, समोसा दे दे, मैं घर पे आ रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप एक ही हैं। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ और यहाँ एक महीने में दो बार तुम्हारे लिए पुलिस आ चुकी है। डू यू नो हाउ दे टॉक? मैं खिलाती हूँ। कौन है तू? लंच कर रहा है, जल्दी से खा ले फिर चलेंगे। कहाँ चलना है? साला इतना केस ऊपर से नीचे रखकर ससुराल को भूल गया, वहाँ पुलिस स्टेशन, मामू लोग इंतजार कर रहे हैं। ए! ए, चाकू निकाल, निकाल चाकू। तेरे को रोकने के लिए निकाल दिया तो तू मारेगा ना गोली? बुलेट खत्म हो गया क्या? बुलेट्स दो ही थे, बाकी कहाँ है बे? किसको टपकाया? प्लीज प्लीज मेरे भाई को मत मारो। तेरे को उल्टा दिखता है क्या? कौन किसको मार रहा है दिख नहीं रहा? नो! तू इस तरह रोएगी तो मैं इसको मार नहीं पाएगा। जा अंदर से इसका रिवॉल्वर ले गया। ये तेरे भाई का औकात है, नहीं चलेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। प्लीज मेरे भाई का एनकाउंटर मत करना। अरे मैं काय को करूं, मैं पुलिस थोड़े हूँ। व्हाट? तो फिर कौन है तू? तू पुलिस वाला समझा क्या? Then why you arresting my brother? Who the hell are you? अरे वाह, इतना अंग्रेजी,
जब कानून की बात करो तो इंडिया में सबको अंग्रेजी आ जाती है। कल से दो चपाती कम बनाना, ये नहीं आएगा। क्यों? सेंट्रल जेल, दाल, राइस, गुड नाइट। नमस्ते पंडित जी, की भविष्यवाणी सच होती है? निगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। ये जो भी बोलते हैं सब सच हुआ है, नहीं तो इतने लोग थोड़े जाते। ठीक है, मैं पंडित जी से मिल सकता हूँ? वो पूजा में व्यस्त है, धीरज रखें। दर्द हो रहा है सुंदरी? कोई बात नहीं स्वामी, मुझे दर्द पसंद है। आउच, जाइए ना स्वामी, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता देखकर पागल हो जाता हूँ। पागल क्या जाने दिन और रात, रात दिन देखूं तो भी जी भरता नहीं। जी चाहता मैं तुम्हें जिंदगी भर देखता। जाइए ना स्वामी। बैठ जा, लगता है तुम आर्ट फिल्मों में काम करते हो और कैंची से तुम्हारा गहरा रिश्ता है। बिल्कुल सच कहा गुरुजी। देखा कितने पहुंचे हुए हैं गुरुजी। तुम कोई खतरनाक समस्या? गुरुजी। घबराओ मत, इस समस्या से एक स्त्री तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम उसके प्रेम में पड़ जाओगे और उसी से तुम्हारी शादी। वो लड़की कैसी होगी? इस कन्या की तरफ देखा तो तेरी आंखें नुच लूंगा मैं। ये तो आपकी आइटम निकली, मैं सोचा आपकी बेटी है। इस बात को तो चप्पल से मारूंगा। गुरुजी मेरे बारे में और कुछ बताइए ना। सुन बेटा, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अच्छा? तू अगले जन्म में कुत्ता या सुअर बनेगा सब बता देंगे। मेरे अगले जन्म के बारे में बताइए गुरुजी। हाथ बताओ। ये देखो, इस जन्म में तू काला है। करेक्ट। आने वाले जन्म में तू सफेद होगा, अर्थात तू अमेरिका में जन्म लेगा। तेरा कद छोटा होगा इसलिए तू साउथ अफ्रीका जाएगा। चलेगा, चलेगा। वहाँ तू सारे काले लोगों के इकट्ठा करके वहाँ का सफेद प्रधानमंत्री बन जाएगा तू, और ब्लैक हाउस में सेटल हो जाएगा बालक। इसकी क्या गारंटी है? मेरे शिष्य से नंबर ले लो, कुछ गड़बड़ हुआ तो फोन कर लो। कैलाश तो पुलिस हिरासत में है और सूरी का कोई पता नहीं, कहाँ गया किधर गया। चंदू? चंदू कहां से आएगा भाई, उसको तो पुलिस ने वहीं टपका दिया। वो चंदू ही था, उसकी क्या गारंटी है? टीवी में सब दिखा रहे हैं। टीवी में झूठ दिखाएंगे तो सब मान लेगा क्या? छोड़, मुझे चंदू को देखना है। कैसे देखोगे भाई, उसकी बॉडी मर्चुरी में है। तो लेकर आ। क्या? मर्चुरी जा और बॉडी लेकर आ। आई एम सीरियस। इतनी देर क्यों लगा रहा है, जल्दी निकाल पैसे और दे। जेल में बहुत खर्चा है, पुलिस को देना पड़ता है बीड़ी सिगरेट के लिए। अपुन तेरा पैर पकड़ता है, अपुन के माँ बाप का पता बता दे। ओके, मैं तेरे माँ बाप का नाम बता दूँ? हाँ बताना। अरे कॉमन सेंस से सोच छोटू, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप का नाम बता दूंगा तो तू अपुन को जेल में मिलने नहीं आएगा और अपुन की कमाई भी खत्म हो जाएगी। फिर आऊंगा। नहीं, जरूर आऊंगा। 100 रुपी नोट। जब मैं बाहर आएगा ना, तब मैं तेरे खानदान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब बताएगा। लेकिन थोड़ा बैठ गया, खड़ा खड़ा थक गया, बुड्ढा हो गया ना रे। जा तो। I'm sorry for the delay. Miss, I'm honey. Hi honey. मुझे जानती हो? जॉनी भाई। वो सब के लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ जॉनी बाबा। क्या लोगी तुम? No, thanks. So bad. Maybe true. Yeah. Do you think I'm a womanizer? मुझे कैसे पता? तुम्हें क्या? मुझे भी नहीं पता। Blindfold? क्या? I'll tell you. चंदू ये, आप लोग मुझे पागल समझ रहे होगे ना? अब क्या करूंगा ब्रह्मा जी, जब तक अपनी आंखों से ना देखूं तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता मेरे को।
ब्रह्मा जी, वो जो लड़की आपने मेरे को भेजी थी उसका क्या नाम था? हनी। हाँ, वो हनी की बॉडी अंदर पड़ी हुई है। दोनों की बॉडी को ठिकाने लगा था। ब्रह्मा जी, डू यू थिंक आई एम अ सेडिस्ट? नो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। सीधा जाके लेफ्ट टर्न करे तो हीना टावर आता है, मालूम है? मालूम है। मालूम है। वहाँ 2500 स्क्वायर फीट का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, स्पेशियस बेडरूम विद होम थिएटर एंड ट्रिपल एक्स की सीढ़ी भी है, चलती है क्या? बास्टर्ड, दफा यहाँ से। हेलो, बहुत मजा आएगा, मूड हो तो आ जाना। जरा लाइट देना भाई साहब, इन लड़कियों के भी बहुत नखरे हैं। अपने रूम में बुलाओ तो आती नहीं, उनके रूम में वो बुलाती नहीं, कैसे जिंदगी चलेगी बताओ? लाइट दो। क्या बात है, इतने गौर से क्यों देख रहे हो? ए पकिया, वो पैसे का क्या किया? हाँ, पकिया, आपको मेरा नाम कैसे पता? आजकल मेरे फैंस बहुत हो गए। सांता क्रूज में इंजीनियर के घर से पैसा चोरी किया, वो पैसा कहाँ है? महाकाली मंदिर में जो डाका डाला वो सारे जेवर किधर है रे? तेरी तो अबे, अरे भागो, अरे भागता किधर है? अरे काम हो गया, पुलिस स्टेशन चलेगा तो सब निपटा दो। अरे 20% देता हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ दूंगा। ए गुंडे, ऐसे कितने लोगों को अरेस्ट कराओगे तुम? तेरे को क्या है? मेरा पॉकेट मनी है ये। रुक, अभी बताती हूँ। तू चल बे, चल बोला ना। उड़ूंगी नहीं तुझे मैं। क्या करेगी, मारेगी? मारूंगी। अरे माँ, मार डाला रे। भाग जा, भाग जा। Go man, go. अरे जाना। लगता है ये लड़की पागल है। रितु, उठ यहाँ से। Bye Anu, I love you. Call me later. तुम मिस कॉल करना, मैं फोन करूँगा। क्या? सटक के ले क्या? अब खुजली है ना? खुजली? सबको अंदर डालेगा? रोड पर कोई चल नहीं सकता क्या? रोड तेरे बाप की है क्या? हाँ? तू मेरे पे काहे को भड़क रही है? तेरे भाई को अंदर करवाया तो 2000 ही कमाया, वो भी नहीं मिला अब तक। अंदर किया? 2000 के लिए मेरे भाई को अंदर किया? 2000 के लिए? क्या करेगी तू? क्या करेगी? I will show you. हाँ, show. Show. What do you think you are? Bloody fool. You don't know me. Once my mind is out, then I'll show you. And this time, I'll take you to jail. You know, I'm a big mental case. And this time, you'll see. Hello. तेरी खूबसूरती की वजह से तेरी आवाज सिर्फ आधी सुनाई देती है मुझे। मेरा पूरा वक्त तेरा चेहरा देखने में ही जाता है। तुम्हारे कान नहीं, बहुत जल्द तुम्हारी आंखें भी चली जाएंगी। क्या बोल रही है, आंख चली जाएगी, कान चले जाएंगे? सारा सब कुछ आधा ही समझ में आ रहा है, कहीं मेरे को इससे प्यार तो नहीं हो गया? सुन कैलाश, पुलिस तेरे को कितना भी टॉर्चर करे, अपना मुंह बंद रखना, समझा? कहाँ है सूरी, कैसा है मेरे भाई? एक्सीडेंट के बाद मैं गांव भाग गया था भाई, और मोबाइल भी गुम हो गया था। सबसे पहले तो इस शहर को छोड़। ब्रह्मा जी, पैसे दो, पूरे पैसे दो। ब्रह्मा जी, अपना सूरी है, ये ले। पैसा नहीं चाहिए भाई। अरे पकड़ना, माँ को देना। अब तो जल्दी से निकल। ब्रह्मा जी। हाँ भाई। आप लोग थोड़ा उधर खड़े होंगे, मैं सूरी से कुछ जरूरी बात कर लूं। जी सर। हाँ। ए, चलो। सूरी, इसके बारे में तूने किसी से बात तो नहीं की ना? नहीं भाई। हाँ, बोलना भी नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट है, किसी को नहीं बोलना। जी भाई। सूरी, हम सब एक ही गलती करते हैं ना, हम अपना सीक्रेट किसी और को बता देते हैं, फिर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सीक्रेट किसी और को मत बताए। नहीं, फुलिश ना। या सर, जो बात एक से ज्यादा लोगों को पता चल जाए वो सीक्रेट कैसे हो सकती है? नहीं, सोच मत। एक काम कर, अब इस बात को सीक्रेट रहने के लिए हम दोनों में से एक को जिंदा रहना होगा भाई। चल। ए, सोच मत, मान मेरे को, गोली चला। माना, सोच क्या रहा है, गोली चलाने को बोला ना? ए, उधर मत देख, गन निकाल, गन निकाल, गन निकाल। इसने आपको मारने की कोशिश क्यों की? ब्रह्मा जी, समझ नहीं आता किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं। मैंने तो पैसे दिए थे उसको अपनी मां को देने के लिए, मालूम नहीं कौन अपना कौन बराया। इसके पैसे इसकी मां को जरूर भिजवा देना। ए, अरे ए, क्या सुबह सुबह क्या लोचा है यार? अरे
बाप रे मर गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये सुबह सुबह अटैक काहे को? मेरे को देखने के लिए आया? देखने के लिए नहीं ताऊ, तुम्हें खत्म करने के लिए आया है। दीदी के वास्ते हम जान देने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, अब जाके मौका मिला है। नहीं छोड़ेंगे। एक बात बता, तेरी दीदी का नाम क्या है? समीरा। समीरा नाम तो अच्छा है, ऐसे थोबड़े पे कोई भी नाम अच्छा लगेगा। और समीरा जी, और क्या पूछ रहे हो? इसका हाल बेहाल है, इसके भाई को गिरफ्तार करा के तुम इसके दिमाग पे लात मारा है, और इसका गिटार तोड़ के तुम इसके पेट पे लात मारा। गिटार? दीदी को जख्म पे जख्म दोगे तो दीदी को कैसा लगेगा, तुम ही बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी। तुमको फैमिली की वैल्यू है? मेरे भाई के साथ खाना खाकर मुझे एक महीना हुआ था और तुम उसे ले गए? नहीं समीरा, मैंने उसको बोला था खाना खा लो, लेकिन उसने अटैक किया मेरे पे। बहुत अच्छा जवाब दिया, पहले दीदी को नया गिटार दिला और उसके बाद बात करो। गिटार ही है ना, दिला दूंगा, लेकिन प्लीज तू रो मत, मेरे को बहुत दर्द होता है। ओहो। भाई साहब, 500 रुपए में मिलने वाला कोई अच्छा सा गिटार बताओ। इस सर्किट 500-600 में तो कोई भीख मांगने वाला गिटार भी नहीं मिलता, एक ठीक ठाक गिटार कम से कम 20,000 रुपए में आता है। 20,000? फिर लास्ट टाइम जो तुमने मेरा गिटार तोड़ा वो 25,000 इटालियन मेड, माय ब्रदर बॉट इट फ्रॉम साल्ज़बर्ग। कीमती था तो बाहर क्या रखा, तिजोरी में रखने का ना। गिटार खरीदने के लिए तू इतना रो रहा है तो तोड़े हुए कंप्यूटर को खरीदने के लिए कितना रोएगा? कंप्यूटर तोड़ा मैंने? मैंने नहीं तोड़ा यार। उस वक्त तो तुम अंधे हो गए थे, कुछ दिख रहा था क्या? ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके दे दो यार इसको। क्या मतलब, आधा बजने वाला और आधा नहीं बजने वाला? हाँ, कोई तो दे दो यार इसको। अरे क्या बात है समीरा, तू तो एकदम सॉलिड गिटार बजा दिए। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वो पिक्चर में सलमान ने घोड़े के ऊपर बजाया था ना, वैसा बजा। हेलो, ये टेस्टिंग है, ऑर्केस्ट्रा नहीं। अरे ये तो दीदी को लाइन मार रहा है। मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई के मरने से पार्टी नहीं रुकेगी। नो, मैं जानता हूँ कि वो मर चुके हैं, लेकिन उनके आदर्श नहीं मरे हैं, मैं अपनी जान देकर भी उनकी पार्टी को जिंदा रखूंगा। जॉनी भाई, मेरे भाई को मारकर तुमने बहुत अच्छा किया। जॉनी भाई, बचपन में एक ज्योतिषी ने बोला था मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं नरेंद्र पांडे मुख्यमंत्री बनके पब्लिक का पैसा अपना समझ के खाऊंगा, एक रुपया भी नहीं छोड़ूंगा, और राष्ट्र में जो बाढ़ आकर के सब खत्म हो गया था उसका भी पैसा हजम। अगर मेरा भाई जिंदा होता तो खाक मिलता मुझे, तुमने उसे मारकर बहुत अच्छा किया। इलेक्शन कब है? जल्दी होने वाला है, भाई की सिंपैथी में सारा वोट मुझे मिलेगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, सब ठीक हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात से डर लग रहा है, वो कैलाश अंदर है ना, अगर उसकी जुबान खुल गई तो सब चौपट हो जाएगा, इसलिए कैलाश को तुम संभाल लो। जॉनी भाई, मैं मिनिस्टर बन गया ना तो समझ लो कि तुम मिनिस्टर बन गए, हम दोनों मिलकर के ना सारा माल डकार लेंगे। जॉनी भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। थैंक यू जॉनी भाई। गुरु जी की जय हो। आप महान हो गुरु जी, आपने जैसा कहा वैसे ही हुआ। मैं समस्या में पड़ा तो एक लड़की मुझे बचाने आई गुरु जी। वेरी गुड, कैसी है वो बालिका? लड़की के बारे में मत पूछिए, ऐसा लगता है भगवान खुद 7 दिन की छुट्टी लेकर उसे बनाया है। गुरु जी, बड़ी बड़ी आँखें, खूबसूरत बदन, लाल साड़ी में तो कयामत लगती है, साड़ी में से कभी दिखती और कभी छुपती उसकी नाभि, माथे पर उसकी बिंदिया। तू इसको देख करके बोल रहा है, इसको देख करके तू बोल रहा है? सॉरी बोल, सॉरी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों बे, मेरी सुंदरी पे चांस मार रहा है, मेरी पत्नी पे इतना साया नहीं पड़ना चाहिए। चलो अंदर चलो, चलो। माफ कर दो गुरुजी, अब आंख उठाया तो आंखें फोड़ देना। हाँ, बोलो बालक। आप ही बताओ गुरुजी, उस लड़की के साथ मामला आगे भी बढ़ेगा या इतना ही रहेगा? उस कन्या से तुम्हारा प्रेम संबंध बहुत दूर तक जाएगा। अगली बार मिले तो क्या करूं गुरुजी? तो सुनो, उसे पकड़ कर ले जाना। वो साथ में आएगी क्या? जरूर आएगी। ए, तुम्हारा शुक्र बहुत पावरफुल है, ऊपर से मंगल पुश कर रहा है, सारे ग्रह मिलकर उस कन्या को तुम्हारे रूम में लाएंगे। आगे बढ़ना, रुकना नहीं, तुम्हें स्वर्ग दिखेगा। काम सूत्र की किताब कहाँ मिलेगी बताएंगे? हिंदी बाजार। थैंक यू गुरुजी। काशी, अब ध्यान से सुनो, असली कुंडली इसकी तुमको बता रहा हूँ, अभी इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, देखना। क्या हुआ बेटी,
कुछ नहीं अंकल, भाई की याद आ रही है। उदास मत हो, वो आ जाएगा। हे, चलो मेरे साथ। चल बेटा, कहाँ ले जा रहे हो इसे? कौन हो तुम? घबराओ मत, किडनैप नहीं कर रहा हूँ। अरे तुमको पूछ रही हूँ, बताओ ना। आ जाओ। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि आज राखी का त्योहार है, तेरा भाई जेल के अंदर है और तू बाहर, इसलिए तू अपने भाई को याद करके दुखी हो रही होगी। सही सोचा ना मैंने? इसलिए मैंने तेरे को तेरे भाई से मिलाने के लिए परमिशन ले लिया। उस दिन तुमने मुझसे पूछा तुम्हारा फैमिली है क्या, और तुम्हें फैमिली वैल्यू का पता है? समीरा मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है और कहाँ है, इसलिए मुझे परिवार की वैल्यू ज्यादा मालूम है। ये लो राखी, और अपने भाई को बांध दो। चलो भाई। इस कमीने के साथ क्यों आई है? क्या तू भूल गई कि ये कौन है? यही वो हरामी है जिसने मुझे पकड़वाया था। ए साले, मेरी बहन के साथ तेरा क्या संबंध है रे कुत्ते? कुत्ते की तरह तो तू भौंक रहा है। चल अपनी बहन से बात कर, टेंशन कम कर। याद रखना, जिस दिन मैं बाहर आ गया ना, उस दिन तू खलास। उस वक्त का पिक्चर उस वक्त देखेंगे, अभी तू टाइम वेस्ट मत कर। फोन 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 दे मुझे, फोन दे। नमस्ते। सॉरी। अबे कौन है तू? अंधा है क्या? बोले तो अंधे को भी नजर आती है। सॉरी, अंदर कर दूंगा साले। अरे ए, चल बे, चल साला कुत्रिया। हेलो भाई, वो हरामजादा जिसने मुझे अंदर करवाया था ना, अभी मेरी बहन के साथ यहाँ आया है। आप अपने आदमियों को भेजकर उसे खत्म करवा दीजिए, और अगर यहाँ कोई काम करना हो तो मुझे बता देना भाई। ओके। जा और उसकी मौत की खबर मुझे जल्दी बताना। अब तुम खुश हो, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला, अच्छा काम किया या बुरा काम किया? I have a doubt। बोलो। इस तरह जो तुम गुंडों को पकड़वाते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुमसे बदला लेंगे? बदला क्यों नहीं लेंगे? मैं सिर्फ उनको दिख जाऊं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कोई तलवार से मारेगा, कोई चाकू घोंप देगा। चाकू? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे को पीछे से वार किया था, नसीब में बच गया। एक आदमी तो ठीक है, लेकिन कभी एक ही साथ 10 आदमी टूट पड़े तो? 10? नहीं, इतने आदमी एक साथ काहे को आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। इतने आदमी एक साथ? तुम जाओ दीदी। अरे सॉरी, बी केयरफुल। क्या समीरा, तू तो मेरी जिंदगी का तार तोड़ने की कोशिश में है। हेलो, कल ही तो मैंने तेरे को नया गिटार खरीद के दिया। उसने अपुन के जज्बात को मारा और तू अपुन के मुंह पे मार रहा है। अब उनको मारने का किसी में दम है क्या? नहीं तो मैं ट्राई करूं क्या? अरे यार, इस तरह अपन लड़ते रहेंगे तो इसका अंत कभी नहीं होगा। प्लीज यार, मुझे जॉनी भाई के पास ले चलो, आपस में कुछ मांडवली कर लेंगे ना हम लोग। प्लीज रे, ऐसे मारपीट करना ठीक नहीं है। हाँ, तुम लोग फोन करते रहो मेरे को, और सबसे पहले तो तुम एक काम कर। अरे क्या हुआ, किसने मारा तेरे को? हेलो सर, अपन छोटू। हाय, दिस इज जॉनी। कौन मारा रे तेरे को? इसने मारा भाई। तू? हाँ सर, अपन ने। तेरे को चोट नहीं लगी क्या? जी सर। थैंक गॉड। आपसे कुछ बोलने का है सर। हाँ, बैठ। क्या काम करता था? हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं बॉस, लेकिन इंग्लिश में बाउंटी हंटर बोलते हैं। मतलब? मतलब अपन कानून के लिए काम करता है बॉस। वांटेड क्रिमिनल को पुलिस के हवाले करता हूँ और पुलिस अपन को कमीशन। कमाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है यार। करेक्ट सर। पुलिस कब से मेंटेन कर रही है तेरे को? यही कोई 16-17 साल से। सुपर्ब यार, आई लाइक योर आइडिया। थैंक यू सर।
भाई अपन आपके आदमी मनोज को अंदर किया, इसके लिए आपका प्यादा मेरा जान लेने को आया। और सर अपन का माता पिता नहीं, और अपन लावर इसकी मौत मर गया तो अच्छा नहीं होगा ना। इट्स ट्रू मैन। भाई मनोज से मेरा कोई पर्सनल लफड़ा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड माय प्रोफेशन, इसलिए मेरे को टारगेट मत बनाना। तेरा स्टाइल अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, कुछ नहीं कहूंगा, यू कैन गो। मैं जा सकता हूं? हां, थैंक यू सर। ए, क्या नाम है तेरा? छोटू सर। छोटू, छोटू आज के बाद कभी मेरे आदमी का केस लगे उन्हें टच मत करना। तेरे आदमी तो क्या, अगर मेरे पास तेरा केस आया तो तेरे को भी उठा के ले जाऊंगा। अभी तक की सब कन्वर्सेशन इज ओके, बट आई डिडंट लाइक दिस। अबे मर साले को। जिंदगी में पहली बार गन पकड़ा है, कंफ्यूज मत करो, गोली लग जाएगी, अपुन को नहीं बोलने का। अपना रास्ता छोड़ दो, और ये तेरा आदमी बाबू कालिया को मुझे ले जाने दो। इस पर रेप, चोरी, मर्डर जैसा बहुत सारा केस है, समझने की कोशिश करो। तुम लोग खुद भी वर्ल्ड से जियो और मेरे को भी जीने दो, यही अपुन का फॉर्मूला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बॉस। उसको जाने क्यों दिया भाई? अचानक मुझे उसके अंदर एक हीरो दिखाई दिया। मेरी बात मान लो ब्रह्मा जी, एकदम अलग आदमी साला। दम है उसमें। समझ में नहीं आता आप हो क्या। मुझे लगता था कि मुझे कोई समझ नहीं पाया, सिर्फ ब्रह्मा जी समझते हैं। देखो आई एम नॉट ए फूल टू लीव हिम। रवि का केस नागपाड़ा में है और इसको मैं नासिक जेल में शिफ्ट कर दूंगा। जेल में मेरा एक काम है जो रवि बहुत आसानी से कर सकता है। Got it? हाँ? सर सर सर, ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है सर। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया और तुम बोल रहे हो कि ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। इसके नाम पे पुलिस स्टेशन में एफआईआर डाल जाए। अटेम्प्ट टू मर्डर। नो, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये लड़की गिटार टीचर है सर। तुम क्या करते हो? मैं नारियल बेचता हूँ सर। अगर तुम्हारा नारियल मैं तुम्हारे सर पे मारूं तो तुम्हारा सर फटेगा? फटेगा सर। और उस फटे सर पे एक नारियल और मारूं तो जिंदा रहोगे? मर जाएगा। इसका मतलब तू मर्डर कर सकता है। और उस वक्त मैं इंक्वायरी करने आया तो तुम सब बोलोगे छोड़ दो सब, छोड़ दो, ये गरीब नारियल बेचने वाला है, छोड़ दो। बराबर ना? बराबर है सर। सुनने में आया है कि तुम एक जवान लड़के का मर्डर करने का प्लान बना रही हो ना? नो सर। ये कर ली है? कर ली क्या है? आर यू सीरियस? नो सर। नहीं तो तुम इतना वाइल्ड क्यों दिख रही हो? लेकिन किसने ये इल्जाम लगाया? मैंने। हाँ? मैंने लगाया। क्यों? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और तुम कानून का बलात्कार कर रही हो। छी छी, ये मेरा प्लान नहीं है। फिर किसका है? मुझे नहीं मालूम। हे, तुम्हारा नाम क्या है? दीनानाथ। हाँ दीनानाथ जी, उस दिन तुम्हारे सामने इसको लेके गया, राखी के त्योहार की वजह से इमोशन में आकर बहन भाई को मिला, लेकिन इसने तो मेरा ही मर्डर प्लान कर दिया। हमारी दीदी को कुछ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चुप नहीं बैठोगे तो चिल्लाओगे। मैं दीदी को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, स्लेट हाथ में दूंगा और फोटो सेशन कराऊंगा, एक शुभ मुहूर्त देकर फांसी पर लटका दूंगा। सर मेरे साथ ऐसा मत करो। ये बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुम चाहोगी तो इसके साथ में साइड में जाकर के ना मांडवली कर लो, फिर ये केस को विड्रॉ कर सकता। बस गो गो गो, साइड में जाओ जल्दी से। गो 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 गो, मांडवली करके आओ। ओके, तो बोलो अब क्या करूं मैं? मुझे गिटार सिखाओ। तुम्हारी उम्र सीखने की नहीं तोड़ने की है। सर यस, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है मैं सिखाऊंगी। रोज तुम मुझे फोन करके क्लास में बुलाओगी। दिस इज टू मच, बट ओके। आई लव यू। लगता है मेरा टाइम ठीक नहीं है। बोलो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नहीं। फिर उस दिन वो क्यों बोला? कौन सी बात? बी केयरफुल। ऐसा? ओके सॉरी, बी केयरफुल। इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए कुछ है? नहीं। हाँ है। नहीं सर। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरा सेल, मुझे मिस कॉल करके मेरा नंबर सेव कर और टच में रहना। मेरे सेल में तुम्हारा नाम डार्लिंग करके सेव करो और तुम्हारे सेल में मेरा नाम हनी करके सेव करो। करो। हाँ भाई। मनोज मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कैलाश को मिला? मैं उसे देख चुका हूँ भाई, दूसरे बैरिक में है। क्यों, किस लिए? मत पूछना, कैलाश को मार दे।
जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा तुझको, जेल से भी मैं ही छोड़ाऊंगा तेरे को। मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे भाई, वो दूसरे बैरक में है। सोच मत, अपने साथी का सर फोड़ के लाश के बैरक तक पहुंचाने का काम मैं कर दूंगा। ठीक है भाई। दिस इज ट्यूनिंग, ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकंड। फोन करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्लास इवनिंग 6 o'clock, और वो भी हफ्ते में एक बार। ऐसा है तो मैं गिटार कब सीखूंगा, ऑर्केस्ट्रा कब रखूंगा, प्रोग्राम कब रखूंगा, मेरा करियर तो चौपट हो जाएगा ना। गिटार सीखना इजी नहीं है, और वैसे भी अभी घर पूरा मेहमानों से भरा है। रिश्तेदार जाने के बाद फोन करो, और जब अकेली होगी तब फोन करो। ठीक है। रोज रोज इससे फोन पे बात करने से अच्छा इसको मारकर जेल जाना अच्छा है। नमस्कार पंडित जी। जीते रहो। आप हर हफ्ते इस मंदिर में आते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लीजिए। एक छोटी सी मदद चाहिए। बोलो बालक, क्या है? हमारी दीदी को हर एक बेवकूफ लाइन मार रहा है, उसकी शादी कब होगी? नमस्ते गुरु। तुम्हारी दीदी का विवाह का समय निकट आ गया, इसलिए प्रश्न मेरे पास आया। आज का दिन बहुत शुभ है, शनि शांत है, राहु और केतु अपने स्थान पर हैं। आज तुम्हारे होने वाले वर को ये पंडित बताएगा। चल रहे मूर्ख, जल्दी से मैप निकालो। बालिके जल्दी से गोटी फेंक दो, फेंक दो। ए देखो देखो देखो, चार मीनार क्लियर दिख रहा है ना? तुम्हारी दीदी को लेकर चार मीनार चले जाओ। अरे अरे, चार मीनार ही क्यों सर? बालिके कोई प्रश्न नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तुम चार मीनार चले जाओ बस। अरे कहाँ पे हो तुम लोग? हम लोग इस वक्त चार मीनार के पास हैं। लैपटॉप जल्दी से निकाल। ये लो, निकाल दिया गुरुजी। गूगल अर्थ ओपन कर। जी जी। हैदराबाद चार मीनार ओपन कर। ए, तुम्हारी दीदी को पश्चिम दिशा में खड़ा करो। दीदी इस तरफ खड़ी हो जाओ। तुम्हारी दीदी को दाएं तरफ घूमने को बोलो। दाएं तरफ घूम जाइए। जीजा जी के दर्शन हो जाएंगे। जीजा जी आ गए। सुंदरी भगवान के नाम पे 100-200 दे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दीदी यहाँ भिखारी दिखाई दिया। ओ गलत है, गलत है, बाईं तरफ देखो। सॉरी सर, गलती हो गई, अभी बराबर खड़ी हो गई है। अब सामने देखो, तुम्हें जीजा जी दिखाई देंगे। जिसे देखकर तेरी दीदी के दिल में घंटी बजने लगे, वही है। पंडित जी, दीदी की घंटी बज गई। इडियट, वो घंटी मेरी नहीं, आइसक्रीम वाले की है। पंडित जी, जो आपने कहा वही हो रहा है। दीदी को उसके साथ फिक्स होने बोलो। फिक्स, क्विक फिक्स। फिक्स, दीदी यही है, चिपक जाओ। ये कोई चांस ही नहीं। रोड पे क्या कर रही हो? घर पे रिश्तेदार थे ना? चले गए, क्या है? अरे तू एक बार बोल तो सही, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। क्या बोलूं? प्यार से बोल आई लव यू। नहीं बोलूंगी। बोल दो दीदी, बोल दो, हमें भी ये पसंद है, हमारी तरफ से ये फिक्स हो गया है। आह, इन बच्चों से सीखो कितने समझदार। झूठ ही बोल दो, प्यार नहीं करोगी तो भी चलेगा। एक बार, सिर्फ एक बार झूठ ही सही, मैं सच में मर जाऊं। चलो रे शैतान, सच में मर जाओगे? मर जाऊंगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ। नहीं दीदी, मत बोलना प्लीज, मत बोलना दीदी प्लीज। मैं बोल कर रहूंगी। हाँ बोलो ना। सच में बोलूं? बोलो, लेकिन जरा फीलिंग के साथ बोलो। आई लव यू। जान निकल गई मेरी। अब मरो? क्यों मरो? बोला था ना मरूंगा, तो मरो। हाँ मरूंगा रे, इतनी जल्दी भी क्या है, एक दिन सबको मरना है। किधर है और छोकरी लोग किधर है? कम से कम 10 चाहिए। बताइए ना, मेरे माँ बाप किधर है, बताइए ना प्लीज बताइए। यही कहेगा ना? अबे बेवड़े, तेरी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। तेरे वजह से मेरा जिंदगी नरक बन गया। याद है तेरे को, तूने बचपन में ही मेरे को अंदर करवा दिया था, अंदर। बहुत जुलुम किया पुलिस वाला ने मेरे ऊपर, सारा जवानी अंदर गुजार दिया मैंने। मोमबत्ती का माफिक मेरा जिंदगी पिघल गया। तेरे को जो चाहिए मैं देगा, बस एक बार बता मेरा माँ बाप कौन। आरावी झोपड़ पट्टी से उठा कर लाया तेरे को। तूने काय को मेरे माँ बाप से दूर किया? अकेले तेरे को नहीं किया रे,
तुम्हारा माफे कितना छोकरा लोग को उनका माँ बाप से दूर किया मैंने ताकि वो अपन के लिए भीख मांगे और अपन ऐश करे। ऊपर साला एक है इसको भगवान बोलता है, मेरे जैसा पापी और तेरे जैसा इंसान को बहुत रुलाता रहता है वो, उसे मजा आता है, खेलता है वो अपने साथ कबड्डी 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 खेलता है। मेरा बाप क्या करता था? मजदूरी करता था, तेरी माँ भी वही थी कुली। मेरे माँ बाप को पहचान लेगा तू? पहचान लेगा, फुल टाइट रहेगा तो भी पहचान लेगा। तेरे को जितना दारू चाहिए दूंगा, जितना पैसा चाहिए दूंगा, ये मोबाइल भी रख, लेकिन मेरे माँ बाप को ढूंढ। ठीक है, मेरे को घर चाहिए, मेरे साथ रहना। मेरे को टीवी फ्रिज भी चाहिए, जेल में ये सब कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, हाँ चीयर्स। तू अपने आप को समझता क्या है? जान ले लूंगा मैं तेरी। मनोज कम करो। ओके डॉक्टर। मंत्री राजेंद्र पांडे का खतरनाक कैलाश जेल से फरार हो गया है। बताया जाता है कि बहुत ही नाटकीय तरीके से ये खतरनाक आरोपी फरार हुआ। क्या बोलूं? कैलाश जेल से फरार हो गया, डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से कल इलेक्शन, तुम कुछ भी करो, किसी भी तरह से ना दिखे, अगर वो दिखा तो मैं हार जाऊंगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। हाँ क्या हुआ? कैलाश जेल से भाग गया है। कैसे भागा पता नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन, हमें कैलाश को मारना ही होगा, ठीक है? अरे क्या हुआ सर? चल अभी बताता हूँ। चल क्या हुआ सर? तो चल जो पकड़ा क्यों सर? क्या हुआ सर? पता चल जाएगा। एक कुत्रिया, बोल कहाँ है तेरा बेटा? वो तो जेल में है साहब। वो जेल से भाग गया है। जेल से भाग गया मुझे नहीं मालूम है सर। कौन है इनका बेटा? कैलाश, उसके माँ बाप है। नहीं जानता तो तुझे छोड़ देंगे क्या कुत्रिया? यही बात आप प्यार से भी पूछ सकते हैं, हाथ काहे को उठा रहे हैं? कौन है बे तू? बीच में बोला तो जुबान निकाल लूंगा, उस बुढ़िया को खींच कर लाओ। सर कहाँ है तेरा बेटा बता? मुझे नहीं मालूम। तुझे सब मालूम है? तुम लोग इधर इंक्वायरी के लिए आओ या इंट्रोगेशन के लिए? बकवास बंद कर, तुझे तो बाद में देख लूंगा। बता बुट्टी, बता वरना कपड़े उतार कर मारूंगा। बताती है कि नहीं? ये तेरे माँ की जैसी है, माँ के साथ कोई ऐसे बात करता है? ये मेरी माँ जैसी है? ये मेरी माँ जैसी है? अरे मेरी माँ तो मेरे घर में है, ये तो कोई धंधे वाली है। अब अगर और कुछ बोला ना तो खलास कर डालेगा तेरे को। थाने में जितनी पुलिस है सबको बुलाओ। भाई ये तो अपन के आदमी की धुलाई कर रहा है। भाई क्या करना भाई? तू इधर काहे को आया?
ये तेरे आदमी लोग हैं क्या? और ये बीच में क्यों आ रहे हैं? इसका क्या लेना देना? छोटू ये लो। पुलिस वाला होकर और लाचार को मारता है। तूने इन लोगों को किडनैप करने के लिए भेजा ना? बोल सच है या झूठ? कैलाश तो तुम्हारे पास ही काम करता है ना, फिर उसके माँ बाप को क्यों किडनैप करने आया? तेरा असली प्लान क्या है रे? सॉरी ने सारा प्लान खराब कर दिया। मार मार के खत्म कर दो कुत्ते को। ये नहीं मरा तो मैं पुलिस स्टेशन कभी नहीं जाऊंगा। ये उस दिन मुझे अच्छा लगा था और आज और भी अच्छा। अफसोस है लेकिन एक दिन इसको मार दिया। ए कैलाश के माँ बाप कहाँ? वो रहे सामने। अरे हथकड़ी क्यों लगाई है? मुझे क्या पता भाई। अबे तेरे को तो कुछ नहीं पता। समझ में नहीं आता आप कहीं भी क्यों बैठ जाते हैं। एक तो वैसे ही मुझको कुछ समझ नहीं है और एंड व्हाई आर यू वरिंग अबाउट माय सिटिंग पोजीशन? तू इनको मार डालेगा, मार डालेगा, इनको मार डालेगा। तेरा प्रॉब्लम वो कैलाश के साथ है, अगर वो मिले तो बेशक उसको मार डाल, लेकिन इन बुड्ढे लोगों को परेशान मत कर। अगर इनको कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा, तेरे को तड़पा तड़पा के मारूंगा। अगर तूने इसे अपने पुलिस स्टेशन में नहीं मारा तो मैं तुझको मार डालूंगा। जॉनी भाई, जॉनी भाई, मैं तुम्हें दाऊद इब्राहिम समझ के तुम्हारे पे भरोसा किया, तुमने कैलाश का क्या उखाड़ लिया बोला? वो नहीं मिला तो मैं क्या करूं? मैं बहुत मेजोरिटी से जीता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जैसे ही कैलाश का नाम याद आता है ना मेरा दिल घबराने लगता है, कभी कभी तो मेरी पैंट भी गीली हो जाती है। कल मैं मिनिस्टर पद की शपथ लेने वाला हूँ, फिर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। याद रखो, डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ए भाई, हर न्यूज चैनल पर ना मेरी खबर आ रही है आज, बहुत टेंशन में जी रहा हूँ, कहीं जनता मेरी पैंट गीली कर दे। अरे बाप रे, क्या मेरे भाई, अरे कुछ करना तू। क्या करूँ, घर निकल तू, वोडका के दो पैक मारो सो जा। मैं यहाँ वोडका विस्की की बात करने नहीं आया हूँ। निकलेगा यहाँ? अरे फालतू की बात छोड़ो ना यार। फालतू बात है, मेरे आदमी को मार दिया वो फालतू बात है, धंधा चौपट के वो फालतू बात है, पार्टी की इज्जत गई वो फालतू बात है। अरे वो बात नहीं, मेरे बाप, मेरी बात समझो तुम। बोतल, मेरा गुस्सा उस पे क्यों उतारते हो? अरे वोट का बोतल दे। मुझे मारो, मारो पिछवाड़े पे, मारो ना, वैसे भी जनता वाट लगाने वाली है। ले, आई विल हैंडल इट। इस तरह मत देखो सर, मैं भी लगभग डिपार्टमेंट का ही आदमी हूँ। तूने मुझे मारा साले, मेरे गले में कुत्ते का पट्टा पहना दिया तूने। अरे इतना गुस्सा मत करो साहब, पूरी रात तो पिटाई की तुमने मेरी। कमिश्नर को फोन लगा, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। फोन कधे के अंडे, आज मैं तेरा लॉकअप में ही एनकाउंटर कर दूंगा। कौन चाहिए? ये। अरे टिफिन लाई मेरे लिए। थैंक यू सो मच। वो सब ठीक है, कमिश्नर को फोन करो, ये मुझे कुत्ते की तरह पीट रहा है। सुनो, साहब को बोलो मैं जेल में हूँ, नंबर मिलाओ 8998 9944। जाने दो, वो अपना ही आदमी है। सर डॉक्टर ने कहा है मुझे ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, इसलिए कम से कम 10 दिन इसे रिमांड पर रहने दीजिए सर, प्लीज सर। ए निकल, चल चल। ओके सर, ओके। नमस्ते सर। तुम्हारे इंस्पेक्टर का जवान बहुत गंदा है, बूढ़े लोगों को भी गाली देके बात करता है। भाई डिपार्टमेंट वाला ऐसा बिहेव करेगा तो कैसे चलेगा? ए ये टॉपिक छोड़, लाइव सेट करने के लिए तूने मुझसे
काम के लिए पूछा था। हाँ सर। ये कैलाश को पकड़ो और जितना चाहो उतना माल कमाओ। ओके सर। ये देखो उसका डिटेल। तुम उससे प्यार करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कुछ समझ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर रो क्यों रही है? मैं पिक्चर जाती हूँ तो भी रोती हूँ। ये सब सच समझ कर तुम खुश मत हो। ऐसा भी कोई रोता है क्या? ए छोटू आज ड्राइड है, दारू नहीं मिल रहा है। मेरा हालत बहुत बुरा हो गया, गला सूख रहा है रे। अबे दारू का इंतजाम मैं कर दूंगा, तू मेरे माँ बाप को ढूंढ प्लीज। ए छोटू संभाल के घर जाकर दवाई लगा लेना। अरे मेरे को कौन लगाने वाला है, चल तू आ जा। हाँ? तू ही लगा, चल ना। जाओ ले जाओ इन्हें, जाओ। आप आ रहे हो ना? चलो हम आते हैं। उठ बे, उठ बे, खाना खा ले। साला सुबह से ही टाइट हो जाता है, याद रखना रात को खाना मांगा तो मार डालूंगा। अरे दीनाना जी, आप तुम्हारे लिए खाना लेकर आए बेटा। मेरे लिए काय को तकलीफ किया? बेटा हम खाना खाने बैठे तो तुम्हारी याद आ गई। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए पुलिस से भी मार खाई, और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये लाइए खा लेना बेटा। आपको मेरा पता किसने बताया? समीरा ने, वो नीचे है। ओ, गिटार टीचर। नीचे क्या कर रही हो? ऊपर आइए। आइए टीचर आइए। ये कौन है? मेरा रूममेट। रूममेट है? मैं समझी क्लासमेट है। आज तक अपुन के लिए कोई खाना लेकर नहीं आया, और ना ही किसी ने इतने प्यार से खिलाया। बैंगन डालूं? अच्छा बेटा ये कांच कैसे टूट गई? कुछ दिन पहले किसी ने मुझे मार डालने की कोशिश की, इस शीशे की वजह से बच गया। दही चाहिए? हाँ चाहिए, इतनी मेहनत करके सब्जी बना के लाए, वो तो खाने दो। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया की क्या बात है। बाय बाय। छोटू कौन है रही है? ये लोग मेरे पहचान वाले हैं। पहचान वाले हैं? सिर्फ पहचान वाले होकर तेरे लिए खाना लेकर के आया हूँ? देख छोटू, तेरे को मैं बता चुका है ना, वो भगवान अपुन के साथ खेल खेलता रहता है। कबड्डी नहीं खेलता, और भी खेल है, जैसे कथकली। ब्रह्मजी पेपर देना। लीजिए सिगरेट। ब्रह्मा जी 24 आवर्स आप मेरे साथ रहते हैं, मकसद क्या है? मकसद क्या होगा, हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। यही मकसद है? हाँ जी। अगर आपका यही मकसद है तो आपकी जिंदगी वेस्ट। ब्रह्मा जी आपका मकसद होना चाहिए कब मौका देखकर मेरे को गोली मारो और मेरी सीट पे बैठो। अगर आपका ये मकसद हो आई रियली अप्रिशिएट यू, लेकिन आपको तो चाहिए सिगरेट लो, पेपर लो। यही अगर गोल रहा तो मैं ही तेरे को गोली मारूं। क्यों भाई लोग, क्या गोल होना चाहिए आप लोगों का कि कब मौका देखो और मुझे गोली मार दो। किसने गोली चलाई? अरे कैलाश साहब पकड़ो इसको। अरे तुम लोग उधर से आओ। अरे तू क्या कर रहा है इधर? चल इधर। क्या रे तू कहां से आया?
अरे किसको टपकाने को आए हो? इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हट पीछे, चलो चलो मूव मूव गुफा। चलो चल 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 मैं तेरे को ही मिलने आ रहा था, वो कैलाश के बारे में बात करने का था। और कोई टाइम नहीं मिला कैलाश के बारे में बात करने का? और कैलाश को नहीं तो मैं तेरे को ही मार डालता हूं। ब्रह्मा ये बुलेट कहां है? बुलेट ये लीजिए। क्या वे सीधा गोली मारता है? गोली नहीं था इसलिए ठीक है, अगर होता तो मरता ना साले तू। मारपीट के लिए अपन नेवर रेडी, लेकिन अभी कैलाश को ढूंढने का है, उसका फोटोकॉपी अपने पास आ गया। अबे तू पागल है क्या? तेरे को कुछ भी नहीं पता घर? हाँ अपन तो है ही पागल, लेकिन अपन को यह समझ गया है कि ये कैलाश पंटर तेरे लिए बहुत जरूरी है। समझ गया ना? दमे तो कैलाश को पकड़ के बता। पकड़ के दिखा क्या? उसको अपन ही पकड़ेगा, लेकिन याद रखना उसके साथ तू भी फंसेगा, फिर तेरा खेल खलास। ए छोटू, तेरे को पता है तू कैसे मारेगा? सिर्फ मेरे हाथों से। अपन का भी सेम डायलॉग। भाई फिर छोड़ दिया उसको? अबे साले, कैलाश को वही पकड़ के ला सकता है, वो तेरे पास का काम नहीं है। बुलेट मांगे तो डांस करना शुरू कर देता। आप हंस क्यों रहे? ये लड़का मुझे अच्छा लगा, मैंने उससे बोला कि मैं मार डालूंगा तो मुझे बोलता सेम डायलॉग। I like it. ऑटो बंद करेगा? उस दिन गुंडे को मारा, मैंने किस किया? रात को घर नहीं आऊंगी करके फोन कर रही है। हेलो छोटू, मार्केट में एक आदमी मुझे सता रहा है। क्या कहा? मेरा पल्लू पकड़ कर खींचा। क्या? हाँ, आँख मार कर गाल भी नोचा। वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है क्या? है छोटू, वहाँ गई, वहीं से तुम्हारा नंबर मिला। ओह ऐसा है क्या? ठीक है मैं आ रहा हूँ। तुम आने तक मैं मैनेज करती हूँ। सेक्सी आइटम मिला है, रूम साफ कर देना, मस्त चादर बदल देना, स्प्रेस पे मार देना यार, समझ गया ना? चार पांच हेलमेट भी तैयार रखना। अबे कबाब में हड्डी भी सेट ना। अबे निकलना, आज मैं ऐसी बैटिंग करूंगा कि बॉल की भाई 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 ऐसे मौके में मत अरेस्ट कर, मस्त आइटम पटी है। रुक जा बेटा, मैं देखती हूँ। क्यों रे लगे, लड़की क्या करता है? थैंक्स छोटू, एक महीने से लोफर मुझे टॉर्चर कर रहा था। झूठ है, फोन पे भी सता रहा था। फोन पे? तुम मेरे को काहे को नहीं बताया? ऑलरेडी तुम टेंशन में थे ना, इसीलिए। टीचर जी ऐसा नहीं सोचने का, आपुन है ना, मेरे आने तक सब इसकी धुलाई करो। चल रूम पे चल। नहीं, रूम का प्लान मेरा है। ए बुड्ढी तेरे को चला क्या? दीनानाथ, पहचाना आप उनको? पहचाना तो नहीं, लेकिन देखा कहीं जरूर है। अमर अधमरा, बहुत साल पहले एक ही जगह रहते थे, जमाना हो गया। तेरा दो छोकरा लोग था ना, क्या कर रहा है वो लोग? बड़ा तो साथ में ही है, पर छोटे को कोई उठा कर ले गया था। अरे अरे अरे, अभी तक नहीं मिला तेरा वो छोकरा? नहीं मिला, बस उसे याद करके हर दिन रोता रहता हूँ। बहुत बुरा हुआ, और तू इधर ही रहता है? हाँ, भगवान का नाम लेकर जी रहा हूँ बस। जय हनुमान, जय हनुमान। इतना दिन तक भगवान के भरोसे जीता रहा तू, लेकिन अभी तक क्या किया भगवान ने तेरे साथ? भगवान पर मुझे भरोसा है,
देखना एक न एक दिन वो मुझे मेरे बेटे से जरूर मिलाएगा। आज शिवाजी नगर के पुलिस शूटआउट में एक आदमी मर गया। पुलिस उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि ये पुलिस इन्फॉर्मर था। कैमरामैन गणेश के साथ निहारिका आई। एक्सक्यूज मी, यहाँ छोटू रहता है, आपने उसे देखा? हाँ, वो उस गली में देखा था। एडम, नाम क्या तेरा? हाँ, इधर आ। अरे पकड़, पकड़ इसको। ये चारों तेरे को ले जा रहे तो क्या अंजाम होता तेरा? आधी रात को इधर क्या कर रही है तू? I love you. क्या? टीवी में न्यूज़ देखकर मैं घबरा गई थी कि तुम मर तो नहीं गए और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे, इसीलिए मैं इस समय तुम्हें गली गली तलाश कर रही थी कि इतने में ये गुंडे पीछे पड़ गए। तुम्हें इन लोगों को मारना चाहिए और उल्टा तुमने मुझे ही मारा और अब ऊपर से बत्तीसी दिखा रहे हो, मारो इन्हें। थैंक यू भाई लोग, अगर तुम लोग आज इसके पीछे नहीं पड़ते तो ये मेरे को आई लव यू नहीं बोलती। चलो भटक लो, निकल लो। चल दे। प्यार करती है? हाँ। क्या बोला था? एक बार बोलना। क्या क्या हुआ? आई लव यू बोला तो मेरे को रोना ही चाह गया। अपुन बिल्कुल अनाथ है, अपुन के आगे पीछे कोई नहीं है और इस अनाथ को तुमने आई लव यू बोला तो रोना आ गया। मत रो छोटू, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब है, मर्द रोते नहीं क्या? किसी महापुरुष ने कहा है कि रोते हुए पर भरोसा नहीं करते? ऐसे महापुरुष को चप्पल से मारना चाहिए, दर्द होएगा तो रोएगा ना। अरे ऐसे देख क्या रही है, इधर आ, मेरे को बाहों में ले ले, मेरा सर अपनी गोद में रख और प्यार से मेरे बालों से खेलना। आ आओ। ठीक है अब। ब्रह्मा जी, आज तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि फिल्मों में अक्सर विलन अपने आदमी को गोली मार देता, उसके साथ वाले उससे पूछते क्यों नहीं कि क्यों मार दिया हमारे साथी को? क्यों? विलन की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं? गधा दिखता हूं मैं, डरते हैं। और तूने बड़ी आसानी से डर को रिस्पेक्ट का वर्ड दे दिया। ठीक कह रहा हूं ना? हाँ जी। देखा, इसीलिए वो सब लोगों को मारते हैं। सही बात तो बताओगे नहीं तुम लोग? सर, फॉरगेट इट ब्रह्मा जी, जस्ट टेल मी हु इज द बेस्ट विलन इन द सिटी। और कौन होगा? आप भाई। अरे मुझे क्यों मारा भाई? मैं तेरे को विलेन दिखता हूँ, आज तक मैं अपने आप को हीरो समझता हूँ और तेरे को विलेन दिखता हूँ। क्या नहीं दिया तेरे को? घर दिया, गाड़ी दिया, पैसा दिया और तू मेरे को हीरो नहीं विलेन दिखता हूँ इसको। फॉरगेट ब्रह्मा जी, वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन। इस समय मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार आ रहा है या गुस्सा? आप बहुत गुस्से में हो भाई। You won't understand me, Baba ji. अरे गुस्सा आता तो तेरे सीने में गोली मारता। प्यार आ रहा है, इसीलिए प्यार में गोली मारी ना? I love you, Brahma ji. I love you. ओए, first aid kit लेके आना Brahma ji के लिए, खून कितना बह रहा है। जेल से कब छूटा रहे? अभी छूट के आ रहा हूँ भाई। कैलाश को मार दिया क्या? मैंने कोशिश की लेकिन पुलिस आ गई। मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कैलाश वैसे ही भाग गया है वहां से। इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। पकड़ मत, मार उसको। कैलाश बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया था, उसने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद की है। बहुत समझाया नहीं समझा। इस बीच कभी मिला वो आपको? नहीं बेटा, उसे हमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। आपके बेटे को पकड़ने के लिए मुझे कमिश्नर से ऑर्डर मिला है, दूसरी तरफ उसे जॉनी मार डालने के लिए ढूंढ रहा है। अगर जॉनी को मिला तो मर जाएगा, मेरे को मिलेगा तो जिंदा रहेगा। दुआ करो कि मेरे को ही मिले।
दीनानाथ जी। क्या है भाई? आइए, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आइए आइए। माँ, पिताजी तुम मेरे साथ चलो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। नहीं बेटा, हम तो यहीं रहेंगे, पर तू यहाँ से चला जा, यहाँ तेरी जान को बहुत खतरा है बेटा। तू जहाँ भी रहे, समझने की कोशिश कर। मेरी बात सुन बेटा, तू हमारी फिक्र मत कर, तू चला जा यहाँ से, नहीं तो दुश्मन दुश्मन तुझे मार डालेंगे। चला जा बेटा, चला जा। हरि ओम। आज हमारे छोटे बेटे का जन्मदिन है, और हमारा छोटा बेटा जहाँ भी हो उसकी खुशी के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चे का नाम क्या है माताजी? तुम्हारा बर्थडे कब है? माँ बाप का पता नहीं और बर्थडे की बात कर रही है। Do you know you didn't celebrate? ऐसे बोलने से छुटकारा नहीं मिलेगा, कोई फिक्स कर लो एक दिन। वैसे आज का दिन भी अच्छा है। ना, ऐसे कुछ भी फिक्स मत करो, क्योंकि माँ बाप मिलेंगे तो मालूम कर लूंगा। वो लोग किधर है? वही तो पता नहीं। ऐसे आड़े, अब मैं बाहर आ गया हूँ और कब तुझे टपका दूंगा तुझे भी पता नहीं चलेगा। ठीक है बे, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल मेरे को टपकाना, रखता हूँ। कौन है, किसे कह रहे हो कल टपकाना? ऐसे ही टाइम पास। अरे मेरे को फोन कौन करेगा सिवाय टपोरियों के। तुम तो पहले से ही पागल थे और अब और ज्यादा हो गए हो। अरे भाई आप इधर, तू यहाँ इसके साथ क्या कर रही है? मैं इसे मारने की सोच रहा हूँ और तू इसके साथ दोस्ती बढ़ा रही है, क्या है रे तेरे में? रुक बे। ए, मारना है तो ये रॉड से मार, उस गिटार से नहीं। फिर उसका नाम लिया तो जान से मार दूंगा। तेरे को प्रॉब्लम क्या है? मेरी बहन के पीछे आया तो जिंदा नहीं बचेगा। एक बात सुन ले, जहां तक तेरी बहन का सवाल है, वो तो ऑलरेडी अपुन से प्यार करती है। अब जहां तक तेरा सवाल है, जब तक तू आने कहेगा मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल, हाँ मैं बोल रहा हूँ। कर ले बे, किसी भी भाई को फोन कर ले, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हे, कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आ जाओ यहाँ। दो चाय। मेरे को समझ में नहीं आता तेरी प्रॉब्लम क्या है। तेरे को समीरा की शादी अच्छे लड़के से करनी है तो ठीक है, लेकिन टपोरी से करनी है तो मैं क्या बोल रहा हूँ साहब? ए, नहीं चाहिए। ये तेरे आदमी है क्या? क्या रे, अर्जन बताया। और कोई प्लान है क्या? टिकट भाई, टिकट, टिकट। चाहे कितने भी आदमी बुला, किसी और को टिकट। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को हाँ बोलना ही पड़ेगा। हेलो हेलो समीरा। हेलो छोटू। ए, तेरी बहन का फोन है। छोटू एक मिनट, अबे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? एक मिनट, यहीं पर रुक जा, बात होने के बाद जाएंगे। देख अच्छा नहीं होगा। नहीं तो बोलो। छोटू भाई तुम्हारे साथ है? हाँ मेरे साथ ही है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा भाई बहुत डेंजरस है, संभल के रहना, पागल है और पागलपन में कुछ भी कर सकता है। तेरा भाई अगर आधा पागल है तो मैं पूरा पागल हूँ। तुम्हारी इसी अदा ने इस गिटार टीचर का दिल जीत लिया। तो फिर कब है क्या शादी का मुहूर्त? इतनी जल्दी क्या है,
डर मत, तेरे भाई को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। की वजह से कैलाश जेल से फरार हो गया। जोगेश्वरी के एक लॉज में उसके रहने का समाचार मिला था, लेकिन इससे पहले भाई मिनिस्टर का फोन है कि पुलिस जॉनी भाई पहुंचे। टीवी देखने का बहुत शौक है ना, तो मार्केट में बहुत बड़ा 64 इंच का टीवी आया है, भिजवा दूं क्या तुमको? फिर उसमें ना तुम बैठ करके आराम से न्यूज देखते रहना, समझे क्या? कैलाश पुलिस के हाथों से बच के निकल गया है, दो दिन पहले मैंने सीएम की शपथ ग्रहण की है, अगर कुछ हो गया तो मैं तो गया। तूने वांटेड फिल्म देखी क्या? देखिए भाई बहुत बढ़िया। उसमें याद है तेरे को कि सलमान के बाप को मार देते हैं और सलमान दौड़ा दौड़ा आता है, सेम कॉन्सेप्ट। तू कैलाश की माँ को जाके मारेगा और उसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग उठेगी, बदला लेने आएगा, लड़ने आएगा हमसे, और हम लोग उसे तड़पा के मार डालेंगे, समझ गया ना तू? अब निकल यहां से। ओके भाई। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। माजी, माजी, यहां दे दे ये पैसे लीजिए और भाग जाइए, आपकी जान को खतरा है, मैं नहीं मारूंगा तो कोई और आपको मार देगा, और वो लोग कैलाश को भी मार देंगे। हम चले जाएंगे, पैसे नहीं चाहिए। हमारा बेटा ठीक तो है ना? अगर बेटे को जिंदा देखना है तो प्लीज यहाँ से भाग जाइए, प्लीज माँ जी, आप लोग जाइए। सामान उठाओ। समीरा, समीरा, समीरा अपना सामान पैक करो, हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ, मैं कहीं नहीं आऊंगी। ए, तुम जॉनी भाई को जानती नहीं हो। हेलो समीरा, मेरा भाई मुझे जबरदस्ती कहीं ले जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं मालूम, तुम जल्दी आ जाओ। इधर समीरा, किससे बात कर रही है? इधर समीरा, किससे बात कर रही है तू? एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता क्या? चल चल मेरे साथ। समीरा कहाँ है? कहाँ गए पता है? नहीं पता कहाँ गया। जॉनी किधर है? आने मत देना उसको। ए, आने दो। समीरा कहाँ है? समीरा कौन? मनोज की बहन, वो दोनों गायब है, कहाँ चले गए? What do you think of me? जिस तरह तुम ऐसे बात करते हैं, मुझे खुद से चीप सी फीलिंग आती है। I feel myself cheap. समीरा कहाँ है? समीरा तेरा लव है क्या? हाँ, लेकिन समीरा किधर है बता? वो मनोज अचानक सामान लेकर बहन के साथ भाग गया, किधर गया? क्या 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 क्या? वो सामान लेकर निकल गया क्या? हाँ जी। तेरे को पक्का मालूम है क्या? हाँ जी। मनोज को फोन लगा, मनोज को फोन लगा। स्विच ऑफ। व्हाट द टक टक मैन टक। अब मैं सब समझ गया, सारा माइंड क्लियर हो गया, नो डाउट वो दोनों फ्रेंड्स निकले रहे, पक्के दोस्त। थैंक्स छोटू, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, तू बढ़िया आदमी, एकदम बढ़िया। इसको भी नहीं मालूम तो किधर गए होंगे। भाई कैलाश के माँ बाप भी लापता हैं। भाग गए समझा ना, मुझे भी नहीं मालूम। शहर छोड़ने से पहले पकड़ो उनको, पता नहीं कहाँ होंगे। सर अब छोटे लाल, हम बड़े लाल बोल रहे हैं बे, तुम साले बदनसीब हो हमारे साथ बैंकॉक नहीं आए। अब ये बैंकॉक नहीं जन्नत है बे। अबे हमारे गांव की लड़कियां कसम नखरा करती हैं, पर यहाँ पर तो लड़कियां एकदम इजी अवेलेबल है बे। हमने तो 50-60 पटा भी लिए बे, उसमें से 20 छांट ली है। उन 20 में से हम 5 को अलग करेंगे, उसमें से हम 2 निकालेंगे, उसमें से फिर 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर तुझे फोन करेंगे। सुन बे, ऑलरेडी हमारा रासलीला का कार्यक्रम जो है ना वो चालू हो गया है, तुझे सुना के मस्त मजा देंगे। फोन रखो बे, टाइम वेस्ट मत करो। अरे मिस बैंका कहाँ जा रही हो? टैक्सी टैक्सी। कटोरी आजा जा जा। हाय धन्यवाद। हेलो, ये कौन है बे? दलाल लगता है। समीरा है क्या? समीरा तू कौन है? हम बड़े लाल, समीरा ने नंबर दिया और कहा हमसे फोन पे बात करना है।
क्या ये नंबर समीरा ने दिया? नहीं तो तुम्हारे बाप ने दिया बे, कबाब में हड्डी। कहाँ दिया? सीएम सेंटर के पास। सीएम सेंटर कहाँ ये? अबे बैंकॉक में है बे। बैंकॉक? नहीं तो का बिहार में। बड़े लाल तुम वही ठहरो, मैं आ रहा हूँ। साथ में सेक्सी समीरा को मिलाना रहा नहीं जा रहा। लाल छोटू, ए छोटू किधर है तुम? छोटू तो गया, गाँव गया, एक हफ्ते के बाद आएगा। एक हफ्ते के बाद? हाँ। तब तक मेरे को कौन देखेगा? तू देखेगी। तेरे जैसे बेवड़े को मैं क्यों देखने लगी? चल चाबी निकाल कर सो जा। मैं गांव जा रहा हूँ, प्लीज मेरे आने तक मेरे माँ बाप को तलाश कर लेना। उन लोगों के बारे में सिर्फ तू ही जानता है। वो लोग मुझे मिल भी गए तो भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू भी मेरी फैमिली की तरह ही है, तेरे सिवा और कोई नहीं है मेरा। साले, इंसान की औलाद नहीं है, जानवर है तू। जानवर भी तेरे से अच्छे होंगे। कितनों की बद्दुआ लेकर मरेगा रे अब तू? ए छोटू, अब उनका जमीर जाग गया। अब तेरे माँ बाप को तेरे से मिला के रहेगा। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ बारा। हरिओम हरिओम। पंडित जी, दीनानाथ कहाँ है? वो लोग यहाँ पे नहीं है, कहीं चले गए। ये बड़ा चेस प्लेयर, अब उधर वो उधर। छोटू, भाई प्लीज फोन दो ना। नहीं दूंगा भाई, प्लीज एक बार छोटू से बात करने दो। काट डालूंगा तुझे। तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब मेरे क्यों कर रहे हो? प्लीज फोन दो ना। कहा ना, चुपचाप चल मेरे साथ। समीरा तू कहाँ है? हेलो छोटू, मैं बैंकॉक में हूँ। मैं जानता हूँ, मैं भी बैंकॉक में हूँ। एरिया कौन सा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आसपास कोई होटल होगा, फ्लाईओवर होगा, वो तो बता। हे, समझ में नहीं आता तुझे? प्लीज, चल प्लीज, चल समीरा। हाँ समीरा। हेलो बड़े लाल जी, कहाँ है सर? अर्जेंट मिलना है आपको। हाँ, कमीशन का कितना जल्दी है, एकदम जल्दी बुला रहा। आप किधर है सर? तू किधर है बोल बे? समीरा हम आ गईली। बड़े लाल हम अबे। छोटू सर। छोटू, समीरा कहाँ है? समीरा ने तेरे को साथ में लाने को बोला। कितना देर हो गया, अब चलो जल्दी। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया बस। समीरा किधर है मेरे को नहीं पता। वो कैसे? लेकिन कैसे भी उसको आप चाहिए। फेस वाली। समीरा ने तेरे को फोन नंबर किधर दिया था? वो ट्रैफिक सिग्नल पे। और बाद में वो किधर गए मालूम है? हमको सब मालूम है, कौन एरिया में गई ये भी मालूम है। एक बार बड़े लाल को नंबर दे देना तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर देर किस बात की, उस एरिया में मेरे को ले चलो, समीरा मिल जाएगी। अरे तुम बैठो हमारी बाइक पे, बैंकॉक का गली गली जानते हैं। दो दिन से लड़कियों के चक्कर में तो भटक रहे हैं, चलो। ये एरिया में मिली रही, बाइक पार्क करने गए तब तक के मिस हो गयी। छोटू तू जाके समीरा को ले गया, हम उसको डायरेक्ट होटल में ले जाएंगे। तेरी तो तेरी बातों से मैं बहुत पक गया हूँ। अब सुन सच्चाई। समीरा मेरी महबूबा है, इसका भाई उसको जबरदस्ती इधर ले आया, ढूंढ के पक गया मैं। इतने में तेरा फोन आया और मैं भी बैंकॉक आ गया, आप समझा? इसका मतलब तू दोनों मिलके हमको बुड़बक बना दिया। हाँ, दिल का टुकड़ा करते हैं लोग, तू तो पाउडर बना दिया। हम होटल जाते हैं, होटल ही जाना ठीक है। तेरे पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट के बिना कोई भला बैंकॉक आ सकता है? ये लो पासपोर्ट। अब जब समीरा मिलेगी तभी तेरा पासपोर्ट मिलेगा। सर आपने जब पासपोर्ट पूछा तो हमको सिर्फ मुंह से बोलना चाहिए था ना, हम तो डेढ़ साल बन के आपके हाथ में दे दिए। दुनिया में हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तेरे से भी ज्यादा बेवकूफ पड़े हैं। फंस गए लगता है हम। हमको तुम्हारा मिलन कराने के लिए यहाँ आए थे। समीरा जी, तुम्हारा आशिक छोटू आया है, जल्दी से बाहर आओ और हमको आजाद करो। समीरा, 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 समीरा जल्दी बाहर आओ भाई, हमको दूसरी लड़कियों से भी नंबर लेना है, जल्दी आओ। समीरा, समीरा बाहर आओ, समीरा, समीरा। हाँ,
समीरा, समीरा यहाँ भी आ गया समीरा। चल यहाँ से, चल चल चले गाना, चल चल मेरे साथ सामना। अरे सर 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 सर, समीरा से मिलने आपके जीजा जी आए हैं, समीर के जाइए। अरे छोटू, तुम्हारा होने वाला बीवी को तुम्हारा साला लेके भाग गया। अरे भैया, अब हमारा पासपोर्ट तो दे दो। पासपोर्ट के डर भगा रहा है। थोड़ा पानी दे दो, मर जाएंगे। अरे छोटू जी, सर, कभी भी टकराएंगे हम आपसे। अरे 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 भैया, वो लड़की का नंबर लिया तो तुमने कान के नीचे बजा दिया, और जब इससे टकराए तो ये साला गोली मार दे रहा है। हमारा पासपोर्ट दे दो, हम वापस लौट जाएंगे भाई। अबे रुक जा बे डरपोक, अब जब तू यहाँ आई गए तो एंजॉय करके जाना। अरे भाड़ में जाए ऐसा एंजॉय। सर, आप और समीरा जी मिल जाए, आप दोनों हमेशा खुश रहे, सात जन्म तक साथ रहे, यही दुआ है हमारी। अबे चमचागिरी मत कर, तेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं, ये ले तेरा पासपोर्ट, चल निकल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, ये बैंकॉक साला मनहूस है, मलेशिया में ट्राई करेंगे। सर यहाँ मिले तो मिले, मेहरबानी करके ऊपर मत मिलना, नहीं तो वहाँ भी डिस्टर्ब करेंगे। जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी जल्दी जल्दी। तेरे को एक जरूरी बात बताने का है, अपन बहुत अन्याय किया तुम लोग का साथ, बहुत रुला है तुम लोग को, अपन को माफ कर देना तुम लोग। बात क्या है? तुम्हारा जो छोटा छोकरा था उसको अपन उठा के ले गया था। अभी रोने का नहीं, तुम्हारा छोकरा जिंदा है, अपन के साथ है वो, अपन तुम लोग को ढूंढ रहा था ताकि उसको तुम लोग का हवाले कर दूं। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? बोलो बोलो, कहाँ है मेरा बेटा? मेहरबानी करके बताओ, हमारा बेटा कहाँ है? अमर भाई, ये क्या हुआ? अमर भाई बोलो, जवाब दो, अमर कुछ बोलो। अमर भाई, कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? हट, कहाँ है वो? नहीं मालूम। नहीं मालूम, बताएगा या तेरी बीवी को भी वहीं भेजो? सच हमें कुछ नहीं मालूम। संगीता नहीं मालूम इनको, यकीन है मुझे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छोटू बैंकॉक में है भाई। बैंकॉक? हमें भी बैंकॉक जाना पड़ेगा। छोटू वहां है तो हम लोग क्यों जाएं? और वहां कैलाश है भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? ब्रह्मा जी, वो मिला तो मिला, नहीं तो मसाज करा के आएंगे। मनोज, get up fast. क्या हुआ? छोटू आ गया, तेरी बहन को लेकर जल्दी भाग यहाँ से। चल, come on, चल यहाँ से। Come on, fast. We'll be right back.
हेलो सर, अपन बैंकॉक काम से आया था, अपन को इधर कैलाश मिल गया। ए छोटू, मेरे बारे में मत बताओ, मत बताओ मेरे बारे में। अब इसका क्या करने का? उसे उधर ही पकड़ कर रखो, मैं बैंकॉक की पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। तुम किधर हो ये बताओ। हेलो, 2 करोड़ चाहिए। क्या? 3 ले लो। कैलाश को तुम्हारे हवाले करूं तो तुम 3 तो क्या, 4 करोड़ भी दोगे। उसे कब अरेस्ट किया? अरेस्ट नहीं किया, पकड़ा गया है वो बैंकॉक में। पैसे तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। कहाँ है कैलाश? You slapped me? Why? तेरे को मालूम? अगर कोई लड़की मेरे को गाली दे दे तो मैं उसको जान सकता हूँ, और तूने मेरे को थप्पड़ मार दिया, तेरा क्या हाल करूँगा तू भी नहीं जानता। हेलो, कोई छोटू नाम के आदमी ने बैंकॉक में कैलाश को पकड़ रखा है, उन दोनों को टपका दो। और इस खबर के लिए कमिश्नर ने मेरे से 4 करोड़ लिए हैं। मैं समझता था कि पूरी दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन यहाँ तो एक से बढ़कर एक बाप है बाप। यहाँ तो मेरे भी गुरु पैदा हो गए, एकदम गुरु घंटाल। कमिश्नर ने जिंदगी में 4 करोड़ नहीं देखे होंगे भाई। कमिश्नर तो गधा है साला, मैं उसकी जगह होता तो मांगता 25 करोड़। 25 करोड़? मार डाल मुझे, मेरे भाई के साथ मुझे भी मार डाल, मार डाल। सोच मत मुझे मार दे, कैलाश तो बच गया लेकिन तू मुझे मार डाल। डील फिक्स। डील फिक्स? इसका मतलब तू मेरे मुंह में पेशाब करने को तैयार हो गया? कैलाश को मारकर मैं फोन करता तेरे को, ओके? ए, यू नो दिस नंबर? क्लाइमैक्स चाकनी। शिट। क्या हुआ? अरे बहुत दूर का नंबर है यार, बहुत दूर निकल गया साला। तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना? नंबर बताओ उसका। नंबर हेलो। हे छोटू, हाय, तेरा भाई जॉनी बोल रहा हूँ। कैलाश कहाँ है रे? हेलो 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 हेलो। तू मेरे पास है, इसको कैसे पता चला? कौन है वो? और कौन? जॉनी। तूने मेरी बात नहीं सुनी, कमिश्नर को सब बता दिया ना? कमिश्नर जॉनी से मिला हुआ है। कमिश्नर ऐसा नहीं करेगा। मेरी वैल्यू तुझे पता नहीं है, तू मुझे करोड़ों में। हेलो। हाँ छोटू। हेलो हेलो हेलो। अब मेरे को भी डाउट हो रहा है, क्लियर कर ही लेता हूँ। हेलो सर, इधर कुछ आदमी आके कैलाश का गेम बजा गए, अब मैं क्या करूँ सर? तुम भी वहां से चुपचाप निकल जाओ वरना पकड़े जाओगे। ओके सर, तेरा शक सही है, कमिश्नर ने तेरे को भेज दिया। मेरी जिंदगी मिनिस्टर पांडे की मौत है। और एक खास बात बता दूं छोटू, मंत्री राजेंद्र पांडे को मैंने नहीं मारा है। अगर मिनिस्टर बच गया तो? नहीं बचेगा, उसको मारने वाला और कोई नहीं, उसका अपना भाई नरेंद्र पांडे। भैया, अरे भैया तू जिंदा तो नहीं है ना? अरे मर गया मेरा भाई। उस दिन नरेंद्र पांडे ने खुद अपने भाई को मार दिया था और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया था, इसलिए उनको मेरी जिंदगी से बहुत खतरा है। जॉनी भाई, डोंट वरी, कमिश्नर का फोन आया था, कैलाश का काम तमाम हो गया। अरे हम सब लोग इधर हैं, उसको मारेगा कौन? ज़्यादा खुश मत हो। दुखी कर दिया भाई। फोन रख। गुड न्यूज़ बोलना, घबराहट से धोती। हाँ जॉनी बोलो। हे सॉरी छोटू, सिग्नल प्रॉब्लम। अभी क्लियर है, बोलो। मैं ये कह रहा था कि मुझे अभी के अभी कैलाश चाहिए। कैलाश को मैं नहीं दूंगा। ए बस करना। सुनिए अपनी डार्लिंग की आवाज, मुझे अभी के अभी कैलाश चाहिए, समझे ना? जितनी जरूरत तेरे को कैलाश की उतनी तेरी मेरे को, इसलिए समीरा को और उसके भाई को तू लेकर आ जा। क्या बोला उसने? He's blackmailing ब्रह्मा जी, He's blackmailing me। मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? उसने तो मुझे विलन बोल रहा था ना, विलन वो है ब्रह्मा जी, मैं हीरो हूं। You believe me? हाँ हाँ। Thank you। ठीक है। बुला रहा है वो तेरे को। दोनों साथ में बैठ के तुम दोनों की शादी की बातें करते हुए चलेंगे। हाँ? हम्म?
तूने मुझे छोड़ दिया ये बात जॉनी को पता चली तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे को मौत का डर नहीं, मैंने तेरे माँ बाप को वचन दिया था कि तुझे जिंदा लेकर आऊंगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि तू मुझे मिले और भगवान ने सुन ली, और इसीलिए मैं तेरे को जॉनी के हवाले नहीं कर सकता। जा। कैलाश कहाँ है? समीरा कहाँ है? दिल नहीं लग रहा उसके बिना। Trust me, she's in the van. Missing her. You want to see her? उसे देखे बिना चैन नहीं आएगा ना? समीरा! देखा? मान ही नहीं रहा था। देख ले बच्चे। समीरा! छोटू। Now you must believe, right? छोटू। Hey! छोटू। मैं लेडीज की कितनी इज्जत करता हूँ तेरे को भी नहीं पता छोटू। अभी तक इसको जिंदा रखा सिर्फ तेरे लिए। अब तो टॉर्चर मत कर, मेरे को बताता है इसका सर फोड़ू मैं। नहीं! शूट ब्रह्मा जी, शूट ब्रह्मा जी। आपने कहा था ना कि मौका मिले तो मुझे भी टपका देना। छोटो, ये लो। ब्रह्मा जी, खत्म कर दो साले को, इसके पागलपन से परेशान हो चुका हूँ। बहुत बड़ा सैडिस्ट है ये, बहुत टॉर्चर किया है इसने, छोड़ना मत, खत्म कर दो। आप मुझे मारने को बोल रहे हैं? You're ditching me, ब्रह्मा जी। हाँ। The girl is with me, मैं मार डालूंगा इसको। मैं बोल मार डालो, छूटे बुढ़ा तो। ए, रुक जाओ, रुक जाओ जॉनी, टी-शर्ट रखो। ए जॉनी, भागना कहाँ है साले? रुक। Ah!
की गाड़ी ले और भाग यहां से। जिंदगी में मुझसे प्यार करने वाली सिर्फ ये एक ही है। मैंने कुछ किया ही कहा है छोटू, दिस इज जस्ट अ बाउंस। हाँ आजा रे, आजा। तेरे जैसे राक्षस के टुकड़े 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 करके मेरे अंदर का गुस्सा कम होगा। आजा, आजा। हे समीरा, देख, देख, मैं इस हरामजादे को कैसे। नरेंद्र पांडे को पुलिस ने उसी के घर पर हाउस अरेस्ट किया है। कुर्सी के लिए जो नरेंद्र पांडे ने अपने भाई राजेंद्र पांडे का फोन किया, इंक्वायरी के लिए पुलिस इसको जेल में। मैं कोर्ट में बताऊंगा। माँ जी, आपका बेटा आ गया, अब यह हमेशा आप ही के साथ रहेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा, तुम भगवान। मुझे इंसान ही रहने दो। जैसे ही मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ, अब आराम कीजिए। ओके कैलाश, फिर मिलेंगे। मैं भी चलती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। बेटा कैलाश, एक बात बताना भूल गया, तेरा छोटा भाई जिंदा है। कौन बोला? मर बेचारा तो मर गया, तेरे भाई का पता कैसे चलेगा? वो छोटू से पूछो, छोटू का तो काम ही है, जो खो गया उसे ढूंढ निकालेगा। वैसे मेरे छोटे भाई का नाम क्या है? सिकंदर। अब आपको ढूंढने का एक ही सहारा था, वो भी भगवान को प्यारा हो गया। उदास मत हो, मैं हूं ना। क्या दीनानाथ जी? छोटू, तुमने मेरा बेटा तो मुझे लौटा दिया, लेकिन एक और एहसान कर दो बेटा। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। और कुछ समय बाद सिकंदर उर्फ छोटू अपने खोए हुए माँ बाप से मिलने वाला है। कभी न कभी तो सिकंदर की किस्मत चमकेगी।